ओके गाइस, ओके। सो रैंडम पिक विथ वेट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्योंकि जिसने भी इस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन लिखी है, पता नहीं कौन सा माल खा के लिखी है, तो वहां से तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है ना, हमको आपको सपोज करो तीन बॉल्स दे रखी हैं, ठीक है, तीन बॉल्स दे रखी हैं, तीन बॉल्स को आपको पिक करना है, तीनों में से एक पिक करना है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल नंबर टू आप पिक करोगे? भाई आप कहोगे ये बॉल है, ये है वन, एक बॉल है मेरे को, वन आउट ऑफ थ्री पिक करनी है, तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 1/3, डेट इज 33.33%, है ना, यही होगी ना प्रोबेबिलिटी। चलो ये वाला प्रोबेबिलिटी का आपको पता है कंसेप्ट। हमको भी ऐसे ही फंक्शन बनाना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है किनकी, इन इंडेक्सेस को पिक करने की, इन इंडेक्सेस को पिक करने की, बट नॉट बाय देयर नंबर, ठीक है, बाय देयर वेट्स। इनके कुछ वेट्स दे रखे हैं, ये वेट्स दे रखे हैं ना, वेट्स दे रखे हैं, इन वेट्स के अकॉर्डिंग मुझे पिक करना है। वेट्स के अकॉर्डिंग तुम ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो जीरो, बॉल नंबर जीरो है, मैं ना बॉल नंबर जीरो को ब्लू समझ लेता हूँ, है ना, ब्लू समझ लेता हूँ। तो मेरे पास दो ब्लू बॉल्स हैं, दो ब्लू बॉल्स हैं, मेरे पास रेड बॉल भी एक, अगर मैं वन वाली को रेड बॉल समझूँ, तो मेरे पास सिक्स रेड बॉल्स हैं, सिक्स रेड बॉल्स हैं, है ना, सिक्स रेड बॉल है, और मेरे पास दो ग्रीन बॉल्स हैं, है ना, दो ग्रीन बॉल्स हैं। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि रेड वाली बॉल को पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड वाली बॉल को पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसकी सिक्स वेट है ना, तो सिक्स मतलब कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउट ऑफ 10, सो 6 out of 10 कितने कितने परसेंट चांस है कि मैं रेड वाली पिक करूंगा, 60% चांस है जी, है ना, 60% चांस है। सिमिलरली इसके क्या कितने परसेंट चांस है, 20%, है ना, इसके क्या है, 20% चांस है, ठीक है। तो हमको इसके इंडेक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिपेंडिंग ऑन देयर वेट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। तो हमको रैंडम एक ऐसा फंक्शन बनाना है पिक इंडेक्स, ठीक है। चलो उससे पहले ना एक आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक चीज ड्रॉ कर लूँ, एक सेकेंड को। ओके ओके, ये डाइस है ना, डाइस, लूडो तो खेला ही होगा बचपन में, और आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, लूडो ही बज रहा है हर जगह, है ना, तो डाइस समझ लो, है ना। डाइस में कितने फेज होते हैं हमारे लूडो वाले में, सिक्स फेज होते हैं ना, सिक्स फेज। तो सिक्स फेज वाला डाइस है, आपने रोल करा डाई, है ना, वन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वन आउट ऑफ सिक्स, डेट इज 1/6 प्रोबेबिलिटी है वन आने की। टू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टू आने की भी 1/6 है ना। थ्री आने की कितनी है, 1/6 है। सबकी आने की प्रोबेबिलिटी, हर डिफरेंट नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। बट एक बात बताओ मुझे, क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? आप 10 बार, अगर 10 बार, अगर आप 6 बार डाइस फेंकोगे, 6 बार डाई फेंकोगे, तो पक्का है कि एक बार वन आएगा, एक बार टू आएगा, एक बार थ्री आएगा, एक बार फोर आएगा, एक बार फाइव, एक बार सिक्स, नहीं ना, नहीं। बट अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ये बढ़ा दोगे, अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दोगे, डेट इज छह, सपोज करो 6,000 बार आप फेंक रहे हो ना अगर डाइस ये, तो अप्रॉक्सीमेटली हजार हजार के आसपास तीनों आएंगे, आई मीन 6 के 6 आएंगे, 1,000 बार के आसपास वन आएगा, 1,000 बार के आसपास टू आएगा, 1,000 बार के आसपास 3, 4, 5, 6 आएगा, और स्पेशली जब आप मोबाइल में खेलोगे लूडो, ठीक है, क्योंकि सारी फिजिकल कंडीशंस उसके लिए चेंज नहीं होती। चलो तो इतना डीप में नहीं जाते, सब चीज डिस्कस नहीं करते, मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन या चांसेस बढ़ा देते हो, ट्रायल्स बढ़ा देते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी का जो वो है ना, वो सेम आने लगता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो आपने कैलकुलेट करी ना थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी, वो सेम आने लगती है। चलो तो ये चीज मैंने क्यों बताई आपको, आगे आगे बढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। जब हम इस डाई को 6 बार फेंकेंगे, तो हो सकता है कि एक एक बार नहीं आए सारे, पर 6,000 बार फेंकेंगे ना, तो 1,000 के आसपास ही आएंगे, 1,000 के आसपास ही आएंगे, 2,000 के आसपास आएंगे, 3, है ना, हो सकता है 980 आ जाए 1, और 1,020 आ जाए 2, है ना, बट 1,000 के आसपास ही आएंगे। मैंने ये क्यों बताई अभी आपको समझाऊंगा। चलो हमको क्या एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन बताना है, बनाना है पिक इंडेक्स, है ना, पिक इंडेक्स, ये फंक्शन हमको बनाना है। इस फंक्शन का काम क्या होगा ना, ये लड़का है, ये लड़का है, इसको खाली बैठे बैठे कुछ काम नहीं आ रहा, इसको ये काम आ रहा है कि यार मेरे को है ना इंडेक्स नंबर वन उठा के, जीरो उठा के देखना है, वन उठा के देखना है, टू उठा के देखना है, और मुझे देखना है कि यार तुमने जो मेरे को प्रोबेबिलिटी बताई है ना, कि इसकी 20% प्रोबेबिलिटी है, इसकी 60% प्रोबेबिलिटी है, इसकी 20% प्रोबेबिलिटी है, ये सही है या नहीं, ये मुझे पता करना है कि तुम कोई ऐसा रैंडम फंक्शन बनाओ कि जिससे इनकी प्रोबेबिलिटी आए,
ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी 20% है, जीरो की प्रोबेबिलिटी 20% है, वन की प्रोबेबिलिटी 60% है, टू की प्रोबेबिलिटी 20% है। कोई ऐसा फंक्शन बनाओ, ठीक है, ऐसा फंक्शन बनाओ, रैंडम होना चाहिए वो, रैंडम होना चाहिए, ठीक है। तो हम भी स्मार्ट है, हम भी बना देंगे ना, हम एक रैंडम फंक्शन बनाएंगे। रैंडम फंक्शन तो इनबिल्ट होता है जावा में, और भी सब लैंग्वेज में, लैंग्वेजेस में इनबिल्ट होता है। तो ये रैंडम फंक्शन से पूछेंगे कि भाई तेरा कितना वेट है, कितना वेट है, टू और ये प्लस सिक्स प्लस टू, टोटल 10 वेट है हमारे पास, है ना, 10 वेट्स है, 10 बॉल्स थी, हमने देखा था ना अभी। तो मेरे को है ना, तू 1 से लेके 10 तक के बीच में रैंडम नंबर्स दे, मैं वो बॉल्स फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, तो अच्छे समझ में आएगा आपको, एक सेकेंड रुको। ओके, सो मैंने ये बॉल्स ड्रॉ कर दी, तो अब ये 10 बॉल्स थी ना, तो इसमें इस मेरे ये जो पिक फंक्शन है ना, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, जस्ट ये रिटर्न कर रहा होगा एक इंडेक्स, एक इंडेक्स, या तो ये जीरो रिटर्न कर रहा होगा, ये वन या फिर टू, है ना, बस इसमें कोई ये रैंडमली बस हम इसमें एक नंबर जनरेट करेंगे वन से लेके टेन तक, क्योंकि 10 बॉल्स है, 10 वेट है मैक्सिमम, ठीक है। और ये हमको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो इनके वेट के अकॉर्डिंग इसको ला के दे, वेट के अकॉर्डिंग ला के दे। तो कैसे करेंगे, देखो अगर सपोज करो, देखो होगा क्या, वन से लेके टेन तक बोला ना हमने, हो सकता है कभी ये वन वन हमको ये रैंडम फंक्शन कभी हमें वन दे दे, कभी टू दे दे, कभी फिर से वन दे दे, कभी फिर थ्री दे दे, कभी टेन ही दे दे, कभी सेवन दे दे, कभी एट दे दे, कभी कुछ भी दे दे, वन से लेके टेन तक कुछ भी देगा ये, ठीक है। तो जो भी देगा उसके बेसिस पे, जैसे सपोज करो इसने मेरे को दिया थ्री, थ्री थर्ड बॉल कौन सी है ये, तो मेरे को कौन सा इंडेक्स रिटर्न करना चाहिए, वन, है ना, रेड वाला। इसने मुझे दिया सेवन, सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यहां पे लाई करा, तो मेरे को फिर से वन रिटर्न करना चाहिए, है ना। इसने मेरे को दिया नाइन, तो मेरे को येलो आई मीन ग्रीन, तो मुझे टू इंडेक्स रिटर्न करना चाहिए। तो कुछ ऐसे करना है, कुछ ऐसे करना है, कुछ ऐसा जुगाड़ बनाना है, तभी तो हम इनके वेटेड के अकॉर्डिंग, वेट्स के अकॉर्डिंग जो है इसको हम वो करेंगे, रिटर्न करेंगे। ओके, तो अगर हमें ऐसा करना है तो एक काम करते हैं, प्रीफिक्स सम एक एरे बना लेते हैं, देखो क्या हुआ उसमें, ये यहां तक कर देते हैं इसको स्क्रॉल, चलो। तो मेरा ब्लू ब्लू जो है मेरा वन टू तक दे रहा है, मेरा रेड यहां पे डाल ही देता हूं फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो वन से लेके टू तक मेरा ब्लू मिल रहा है मेरे को, ठीक है। थ्री से लेके एट तक मुझे ये देना है ना, कौन सा, रेड। नाइन से लेके टेन तक मुझे ग्रीन देना है ना, ग्रीन देना है, तभी तो मेरा ये वेट्स के अकॉर्डिंग होगा ना। अगर रैंडम नंबर इनके इन रेंज में आया तो ये देना है, इस रेंज में आया ये देना है, इस रेंज में आया ये देना है ना। इसकी रेंज कितनी है, सिक्स, क्योंकि इसका वेट सिक्स है। रेंज ज्यादा है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहां गिरेगा, है ना। इसकी रेंज कम है तो कम प्रोबेबिलिटी है। कितनी है, दो रेंज है, वन या टू, दो ही वेट था ना इसका, नाइन टेन दो ही वेट था ना इसका, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन देयर वेट्स हमने इनकी रेंज बना दी है, बहुत सही है ना। क्यों बनाई, क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग ही हमको इनको पिक करना है, जिसकी ज्यादा रेंज उसकी उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनका प्रीफिक्स सम एरे जो होगा, हमें 268 दिया था ना, 262 दिया था ना, तो इनका प्रीफिक्स सम एरे होगा 2 प्लस 6 इज 8, और उसके बाद 8 प्लस 2 इज 10। देखो अभी समझ में आएगा मैंने क्या करा है। मैंने अगर यहां पे इंडेक्स लगा दिए, लेट्स से 0 1 2, अब मैं पता क्या कह रहा हूं, देखो रैंडम नंबर मेरा लेट्स से सपोज करो जनरेट हुआ इस रैंडम फंक्शन से 1, तो मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, ब्लू बॉल, यानी जीरो इंडेक्स, है ना। मेरा रैंडम नंबर 3 जनरेट हुआ तो ये वाली बॉल है वो, तो मुझे 1 रिटर्न करना चाहिए, है ना। अगर मेरा 7 हुआ तो भी मुझे 1 करना चाहिए। देखो मैं कैसे करूंगा, बाइनरी सर्च लाऊंगा ना, मैं बाइनरी सर्च लाऊंगा, बाइनरी सर्च से आसानी से कर देंगे, है ना, लॉग ऑफ एन में कर देंगे। देखो कैसे, दो पॉइंटर लगाएंगे, ये हमारा स्टार्ट पॉइंटर, ये हमारा एंड पॉइंटर। तीनों ही केस ले लेते हैं, एक बार 1 के लिए देख लेते हैं, एक बार 3 के लिए, 7 के लिए, और एक बार 9 के लिए, ठीक है। किस किस के लिए देख लेते हैं, 1 3 7 9, 1 3 7 एंड 9। चलो, तो अगर हमारा रैंडम नंबर ने 1 जनरेट करा, 1 जनरेट करा, तो हमें 0 रिटर्न करना चाहिए, तो हमें पता है, पर कैसे। देखो ये हमारा स्टार्ट हो, ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर हो, ये राइट पॉइंटर, तो मिडल कहां जाएगा, यहां पे। अब हम मिडल पे देख रहे हैं क्या पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है, हमें क्या सर्च करना है, 1, तो डेफिनेटली वो लेफ्ट में ही पड़ा हुआ होगा, डेफिनेटली वो लेफ्ट में ही पड़ा होगा, ठीक है। तो जब लेफ्ट में पड़ा होता है तो क्या करते हैं, हम उठा देते हैं, या इनके कलर भी चेंज कर दूं, चलो छोड़ो, हम अपने हाई पॉइंटर को उठा के यहां ले आते हैं,
और मिडल को अपडेट कर देते हैं ना, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ये ब्लैक वाला मेरा लेफ्ट पॉइंटर है और ग्रीन वाला मेरा राइट पॉइंटर है लेट सपोज करो, ठीक है, और मिडल वाला हमारा जो ब्लू होगा। अब इस केस में हमारा लेफ्ट लाइट सेम पे आ गए तो मिडल भी हमारा यहीं आ जाएगा। क्या हमारा जो वन है वो टू के इक्वल है? नहीं। तो फिर क्या करेंगे हम, राइट लेफ्ट वाले को राइट वाले को पीछे ले जाएंगे और राइट वाले को आगे ले जाएंगे, मतलब इन दोनों मतलब इसमें पीछे ले जाएंगे तो हमें नहीं मिला, ये हमारा पीछे चले गया, तो यहाँ पे बाइनरी सर्च रोक देंगे और जहां पे हमारा लो पड़ा हुआ होगा ना, जहां पे हमारा लो पड़ा हुआ होगा वही इंडेक्स जो होगा हमारा आंसर होगा। इस केस में जीरो है तो देखो जीरो, देखो ये काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है दोबारा चेक करते हैं। लेट सपोज करो इस बार हमें थ्री सर्च करना है, थ्री सर्च करना है, तो हम अपना वही मेरा लो लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे, राइट यहाँ पे और मिड अभी यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें थ्री सर्च करना है, तो क्या थ्री एट के इक्वल है? नहीं, तो पीछे ही कहीं होगा, पीछे ही कहीं होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम इसको अपडेट कर देंगे इससे। ठीक है भाई, कर दिया हमने इसको अपडेट, है ना, अब हमारा मिडल यहाँ पे आ जाएगा। अब हम मिडल पे देख रहे हैं क्या पड़ा हुआ है, टू, टू जो है छोटा है बड़ा है? छोटा है, तो हम अपने लेफ्ट को बढ़ा देंगे, लेफ्ट को बढ़ा देंगे, तो इस केस में हमने लेफ्ट को बढ़ा दिया। अब हमारे को नहीं मिला है यहाँ पे एट है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे और जहां पे हमारा ये लेफ्ट पॉइंटर पड़ा हुआ होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो इस केस में क्या है, वन, वन वाले को रिटर्न करना था ना हमको, वन इंडेक्स को रिटर्न करना था, क्योंकि देखो थ्री यहाँ पे है ना इस वाली रेंज में, वन वाले इंडेक्स की रेंज में, तो हमें वन को रिटर्न करना है ना। काम कर रहा है ना बाइनरी सर्च, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो सेवन को सर्च करके देखते हैं, तो हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ आ गया, राइट यहाँ आ गया फिर से और मिडल यहाँ आ गया। सेवन क्या एट के इक्वल है? नहीं, सेवन तो छोटा है एट से, तो हम पीछे जाते हैं, मिडल को हटाते हैं, अभी पीछे जाते हैं इसको, फिर मिडल अपना फिर से हमारा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब हम सेवन देख रहे हैं क्या, सेवन टू से छोटा है बड़ा है? इक्वल है, टू से बड़ा है सेवन, तो आगे होगा, तो हम अपने लेफ्ट को मिड से प्लस वन कर देते हैं। तो अब हमारा बाइनरी सर्च यहाँ रुक जाएगा, ये सेवन नहीं है, और देखो लेफ्ट पॉइंटर जहां पड़ा हुआ है वही हमारा आंसर, लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पड़ा हुआ, इंडेक्स नंबर वन पे, तो हम इंडेक्स नंबर वन पे पड़ा हुआ तो इंडेक्स नंबर वन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो दो तीन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नाइन, नाइन के केस में देखो हमारा इंडेक्स यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, देखो कैसे लेफ्ट पॉइंटर को, लेफ्ट पॉइंटर को ले जाएंगे हम इंडेक्स नंबर जीरो पे, इसको राइट को यहाँ पे और मिडल को, इन दोनों का सम बाय टू, तो यहाँ पे आ गया। अच्छा अब देखो फिर से देखो, क्या देखोगे तुम, हमें ढूंढना है नाइन और हमारा मिडल है एट पे, तो हमें लेफ्ट को क्या कर देना चाहिए, मिडल प्लस वन, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। अब हमारा मिडल यहाँ आ जाएगा, अब देखेंगे हमारा मिडल कहाँ है, टेन पे, टेन जो है बड़ा है नाइन से, तो हमारा जो है लो जो है वो छोटा हो जाएगा, लो जो है नहीं नहीं लो छोटा नहीं होगा, हमारा हाई जो है छोटा हो जाएगा, हमारा हाई छोटा हो जाएगा, और हमारे यहाँ बाइनरी सर्च, क्योंकि हाई जो छोटा हो गया लो से, तो हमारे यहाँ रुक जाएगा, और देखो हमारे लो के पॉइंटर कहाँ पे, इंडेक्स नंबर टू पे, तो हम इंडेक्स नंबर टू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो बाइनरी सर्च से हम देखो कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया और हम इंडेक्स नंबर नाइन को रिटर्न कर जाएंगे, आई मीन इंडेक्स नंबर टू को रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो बस यही करना है, इसी इसी बेसिस पे करना है। अब पता है कन्फ्यूजन क्या आती है बच्चों को, यार ये सब तो ठीक है तुमने ये रैंडम फंक्शन बना लिया, ये रिटर्न विटर्न कर देगा, पर यार जब रैंडम वो जब रैंडम केसेस है, रैंडम जनरेट होंगे, तो ये हमारा जो लीड कोड है चेक कैसे करेगा भाई, हमारा आंसर सही है गलत चेक कैसे करेगा ये? तो देखो उसके लिए मैंने तुम्हें डाइस का एग्जांपल दिया था, जब ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन या ज्यादा ट्रायल्स होते हैं ना, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक रेंज में लाई करती है। ठीक है, ठीक ठाक रेंज में लाई करती है, जैसे इस वाले केस में अगर तुम डाई को छह ही बार रोल करोगे, छह ही बार रोल करोगे, तो जरूरी नहीं है कि हर बार आई मीन एक ही बार वन है, एक ही बार टू है, एक ही बार थ्री है, एक ही बार फोर है, एक ही बार फाइव है, एक ही बार सिक्स है। हो सकता है कि दो बार वन आ जाए और जीरो एक भी बार ना आए, और बाकी चारों बार थ्री आ जाए और फोर फाइव सिक्स एक बार भी ना आए, हो सकता है ना ये। बट जब हम इसको छह की जगह ना छह हजार बार रोल करेंगे ना, तो पता है क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एग्जैक्ट हजार बार आएंगे, सारे एग्जैक्ट हजार बार आएंगे, बट इसके यार कलर चेंज कर लेते हैं एक सेकंड को, सारे हजार बार आएंगे मैं ये नहीं कह रहा, मैं पता क्या कह रहा हूं कि हो सकता है कि वन आ जाए 980 बार, दो आ जाए 1120 बार, तीन एग्जैक्ट हजार बार आ जाए, ये हो सकता है 700 तो नहीं, लेट सपोज करो 990 बार आ जाए, ये हो सकता है 1005 बार आ जाए, और ये भी 1005 बार आ जाए, है ना, पर हजार के आसपास ही आएंगे। ठीक है, तो लीड कोड हमारा आंसर पता कैसे चेक करेगा, जो हमने रैंडम पिक करे, इससे इससे प्रोबेबिलिटी देखो,
इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि हमने सपोज करो ये वाला 10,000 बार ये पिक इंडेक्स वाला फंक्शन चलाया, 10,000 बार ये पिक इंडेक्स वाला फंक्शन चलाया, तो 20% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए ना ब्लू वाली बॉल की, ब्लू वाली बॉल की, यानी इंडेक्स नंबर जीरो है हमारे पास, मैं लिख देता हूं, इंडेक्स नंबर जीरो है, इंडेक्स नंबर वन है, इंडेक्स नंबर टू है, ओके वेट, इंडेक्स नंबर जीरो, इंडेक्स नंबर वन, इंडेक्स नंबर टू, तो हमने सपोज करो 10,000 बार चलाए पिक इंडेक्स फंक्शन, तो हमारा अगर ये फंक्शन अप्रॉक्सीमेटली 2,000 बार जीरो को रिटर्न कर रहा है, 6,000 बार वन को रिटर्न कर रहा है, 2,000 बार जीरो को रिटर्न कर रहा है, तो हमारा लिट कोड कहेगा ठीक है तुम्हारा फंक्शन तुमने ठीक बनाया, ठीक है, एग्जैक्ट 2,000 मतलब हो सकता है कि ये 1,890 बार रिटर्न करे और ये 6,010 बार रिटर्न करे, हो सकता है एग्जैक्ट 2,000 बार करे, है ना, इतना इतना हल्का फुल्का देख लेगा लिट कोड, मतलब कोई एक रेंज बना देगा कि प्लस माइनस हंड्रेड चलता है ना, प्लस माइनस 100 बार अगर कम ज्यादा आया तो चलेगा तुम्हारा, तो यही चीज वो चेक करेगा, जब ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आने लगता है, तुम्हारे आसपास ही आने लगता है, तो बस इसी बेसिस पे हमारा जो आंसर है वो चेक होगा लीट कोड में मेरे हिसाब से, तो ठीक है। चलो तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक, ये थोड़ी अजीब सी प्रॉब्लम थी पर ये ऐसी सॉल्व होनी है, ठीक है, बेसिकली बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम है पर रैंडम फंक्शन के बारे में भी इसमें थोड़ा बताया गया हमको, तो अच्छी प्रॉब्लम है कुल मिला के। चलो तो अब इसका कोड देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो कोड में क्या है हमारे पास, हम ये रैंडम क्लास से ऑब्जेक्ट बना लेंगे सो डेट हम रैंडम नंबर जनरेट कर पाए, और एक ये सम एरे बना लेंगे प्रीफिक्स सम जो हमने बनाया था, ठीक है, तो जैसे अगर 262 दे रखा है हमको वेटेड एरे 012 का, तो हम ये प्रीफिक्स सम वाला एरे बना लेंगे 2810 का, है ना, तो ये सम वाला एरे है ना, ये सम वाला एरे, ये वाला तो हमने यहाँ पे बना लिया, और मैक्स में हम रख लेंगे इसकी वैल्यू डेट इज 10, क्यों रखेंगे, क्योंकि हमको रैंडम नंबर 1 से लेकर 10 तक जनरेट करना है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो हमने 1 प्लस रैंडम नंबर जनरेट करना है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो जो मेरा ये पिक इंडेक्स फंक्शन है इसके अंदर टारगेट के पास क्या कहां से कहां तक आ रहे होंगे, 1 से लेके 10 तक के बीच में आ रहे होंगे इस केस में, अच्छा, तो फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस बाइनरी सर्च लगा देना है यहां पे दो पॉइंटर सर्च करके, और जितनी बार ये पिक फंक्शन कॉल होगा उतनी बार ये कोई इंडेक्स रिटर्न कर रहा होगा, या तो 0 या 1 या 2, है ना, बाइनरी सर्च तो आपको आता है, इसमें बाइनरी सर्च ही हो रहा है सिंपल, है ना, तो अगर इसको नहीं मिलता तो लो वाला रिटर्न कर देगा, लो वाले पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, है ना, क्यों, क्योंकि वो रेंज के अकॉर्डिंग है ना, जो मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, मैंने रब कर दी, जैसे मैंने बताया था कि 1 से लेके 2 तक के बीच में हमको ये इंडेक्स नंबर 0 रिटर्न करना है, 3 से लेके 8 तक हमको इंडेक्स नंबर 1 रिटर्न करना है, और 9 से लेके 10 तक के बीच में हमें इंडेक्स नंबर 2 रिटर्न करना है, तो बस वही हो रहा है इसमें, लो में लो जैसी आएगा वो, तो जितनी बार ये पिक फंक्शन रिटर्न होगा ना, कॉल होगा, उतनी बार ये कोई इंडेक्स कर रहा होगा, तो यहाँ पे बैठ के गिन रहा होगा, अच्छा मैंने पिक फंक्शन 10,000 बार कॉल करा तो भाई मेरे को 2,000 बार तो दो मिला, 2,000 बार मेरे को 2,000 बार इंडेक्स नंबर जीरो मिला, 2,000 बार मेरे को इंडेक्स नंबर टू मिला, और 6,000 बार मेरे को अप्रोक्सीमेटली इंडेक्स नंबर वन मिला, तो ठीक है यार तुमने ठीक बनाया पिक फंक्शन, तो बस ये कह देगा ठीक बनाया, पर अगर तुमने भाई 1,000 बार ये दे दिया, 6,000 बार ये दे दिया, और कितने बज गए 3,000 बार ये दे दे, तो गलत है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता है, वो लिट कोड देख लेगा अपने आप से, ठीक है, तो यही था इसका कोड, थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या थी ये प्रॉब्लम क्या थी वो समझना जरूरी है, और इसका अप्रोच और इसका कोड भी, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।